आज खुद से खुद का एक वादा, गर्व होगा एक दिन ना सिर्फ मुझे बल्कि समाज को, इस देश को गर्व होगा मुझ पर। अरे माना कि आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन 10 साल बाद जो मैं होऊंगा उस इंसान की नींव हूं मैं। अकेले में सिर्फ मैंने ही खुद को संघर्ष करते हुए देखा है, अकेले में सिर्फ मैंने ही खुद को आंसू बहाते हुए देखा है। कुदरत ने मुझे एक हीरा बनाया है, यह मेरा कर्तव्य है कि खुद को घिस घिस कर इतना चमकाऊं कि ये दुनिया मेरी चमक से रोशन हो जाए। और ये होकर रहेगा क्योंकि खुद से एक वादा जो किया है, गर्व होगा एक दिन। इस हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे लोग हैं जो रात रात भर जाग कर अपनी आंखों के टोपे सुझा लेते हैं। कई सारे लोग सुबह जल्दी जाग कर रनिंग के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों में इंडियन आर्मी का सपना जो है, और दिन में सारे ईश्वराम को छोड़कर अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर मेहनत की आग में तपते हैं। और फिर वही लोग शिखर की ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है उनका रास्ता कितना कांटों भरा होगा, कदम कदम पर कितनी मुश्किलें आई होगी, हर पल जिंदगी के कितने दुखड़े सहे होंगे। सब कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन खुद से एक वादा जो किया था और उसको निभाना भी था। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को बाहर निकालना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं छिपी हुई है। वो तो तब पता चलता है जब हम जहां तक सोच सकते हैं उसको अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि मैं अभी और कर सकता हूं। इनफाइनाइट एनर्जी जो अंदर भरी पड़ी है, और क्या करोगे उस एनर्जी का, कैसे इस्तेमाल करोगे, इतिहास उठा लो। तेंदुलकर ने कैसे उसका इस्तेमाल किया, घंटों प्रैक्टिस की, लगातार प्रैक्टिस की। क्या किया था सरदार मिल्खा सिंह ने, टाइम पास नहीं किया था, अपने पूरे शरीर को दांव पर लगा दिया था देश के लिए, अपने अंदर की सारी ऊर्जा को देश के लिए दांव पर लगा दिया था, और जुनून की आग ने उनको कुछ